Hello friends, so let us continue with cash flow statement, and this is going to be the last lecture for cash flow statement. After that we are going to start with the fund flow statement, right? कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों ने सारा जो डिस्कशन पार्ट था वो हम लोगों ने कवर कर लिया था कि हम लोग कैश फ्लो प्रिपेयर करते हैं एज पर AS3. हमारे पास दो मेथड्स हैं, वन इज़ द डायरेक्ट मेथड, द अदर वन इज़ द इनडायरेक्ट मेथड. तो उसमें क्या आगे हमारे पास एडजस्टमेंट्स होती, इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं होती, इसमें ज़्यादा हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं जो हमें टेकअप करनी है, ठीक है. ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इनडायरेक्ट मेथड पे. क्लियर हो गया? अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज़ एक इलस्ट्रेशन जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का है. कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक इलस्ट्रेशन नंबर 10 करवा दो ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए हम लोगों को कि कैश फ्लो कैसे करना है, ठीक है. तो टेकअप कर लेते हैं एक इलस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है, एक लेक्चर ही बन रहा हमारा, तो इसमें हम लोग ये इलस्ट्रेशन करेंगे. अब एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ कि अगर एग्ज़ाम में आपके पास कैश फ्लो का क्वेश्चन आता है तो अपना टाइम उस अकॉर्डिंग मैनेज करना कि कैश फ्लो के क्वेश्चन को एटलीस्ट यू नीड 15 to 20 minutes. तो अपने बाकी के क्वेश्चन उस तरह से अटेम्प्ट करना कि आपके पास एंड पर 15 से 20 मिनट का सिर्फ कैश फ्लो का टाइम बचे. और कैश फ्लो का जो क्वेश्चन है वो लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, वो पहले कभी नहीं अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि अगर किसी पॉइंट पर आप लोग अड़ गए कैश फ्लो में, ठीक है, तो आपका आप सोचो कि अगले क्वेश्चन आपके ख़त्म हो जाएंगे. तो पहले जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चन पहले करो, एंड कैश फ्लो का जो क्वेश्चन है वो लास्ट में रखो, और उसके लिए कम से कम अपने पास 20 मिनट रखो. अपने बाकी के क्वेश्चन उस तरह से प्लान करना कि आप लोग कैश फ्लो, अगर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है कैश फ्लो के ऊपर, अगर सिर्फ एक एक्टिविटी आती है फिर वो जल्दी हो जाएगा, फिर 5-10 मिनट में भी हो सकता है, ठीक है. हो सकता है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूछ ले, बट अगर वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी पूछता है तब भी जो मेजर एडजस्टमेंट्स हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ही है, तब भी 10 मिनट कम से कम लेकर चलना आपने, ठीक है. तो अपना पेपर उस तरह से प्लान करना कि कैश फ्लो का क्वेश्चन एक तो बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करो, और अपना टाइम मैनेज करना कि कैश फ्लो में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम मिल जाए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक. चलो जी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं. अच्छा, इससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन कि दिस इज़ फॉर द इन्फॉर्मेशन ओनली, सबके लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन बैच हमारा चल रहा है ऑलरेडी, वेबसाइट पर अवेलेबल है, क्लियर. दूसरी चीज़, बहुत ही जल्दी एक कॉस्ट अकाउंटिंग की जो वन डे रिवीजन बुकलेट है, या जिसको आई विल बी नेमिंग इट एज अ कैप्सूल बुकलेट, ठीक है, तो दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑल ऑफ यू. वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगी, एक नॉमिनल चार्जेस भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है. तो आई विल इन्फॉर्म एवरीवन एज सून एज द बुकलेट इज़ रेडी, विद इन अ वीक वो बुकलेट रेडी हो जाएगी, तो दैट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है. वो बहुत एक अच्छा रहेगा रिविजन के लिए, जब आपने लास्ट मोमेंट पर फटाफट से सारे कॉन्सेप्ट, फटाफट से सारे फॉर्मूलाज आपको पढ़ने हैं, ठीक है. अराउंड 100 pages के आसपास की वो बुकलेट रहेगी, तो ताकि आप लोग फटाफट से उसको रीड कर सको एक बार, ठीक है जी. तो वो आपको जैसे ही अवेलेबल होगी आई विल इन्फॉर्म ऑन द टेलीग्राम, ठीक. बाकी वेबसाइट पर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तभी रेडिली मिल जाएगी. चलो जी स्टार्ट करते हैं अब हम लोग इलस्ट्रेशन. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट मेथड एंड द इनडायरेक्ट मेथड एज पर AS3 रिवाइज्ड वर्किंग नोट्स वुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर. एक चीज, कभी भी आपको एग्जाम में, ये सिर्फ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में किया गया है, एग्जाम में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है. अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड एक साथ पूछने हैं इंस्टीट्यूट को, कम से कम 20 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन या 30 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको सिर्फ एक घंटा सिर्फ कैश फ्लो के लिए चाहिए फिर, ठीक है. ऐसा नहीं होगा, पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक. अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो हमने डिस्कशन की है उससे ये क्वेश्चन सारा के सारा हमारा सॉल्व आराम से हो सकता है. सिर्फ एक मन में क्या होता है, क्वेश्चन देख के ही डर आ जाता है मन में कि ये तो क्वेश्चन ही बहुत बड़ा, हमसे अटेम्प्ट नहीं होगा क्वेश्चन में, अदरवाइज कुछ इतना खास नहीं है. हम लोग, मैं क्या करूँगा, आप क्वेश्चन में आपको रिटर्न में सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं आपसे एक एक पॉइंट डिस्कस करता जाऊँगा कि वो उसका क्या ट्रीटमेंट है हमारे पास, ठीक है. तो हर पॉइंट को मैं डिस्कस करता जाऊंगा, और आप लोग उसका इनडायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. डायरेक्ट मेथड से कोई भी कर लेगा, आप लोग कर लोगे, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, ठीक. इनडायरेक्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे इसका,
चलो जी, उसने क्या दिया है, उसने एक तो हमें बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक, दूसरा उसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है हमें उस पीरियड का, उसके बाद उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बेसिकली उसने क्वेश्चन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट ये अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, और तीसरा उसने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैंने क्या कहा था, कैश फ्लो किसके ऊपर बेस्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के ऊपर है, ठीक है। तो उसने बैलेंस शीट भी दी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दी है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन साथ में दे दी जिसके बेसिस पे कैश फ्लो प्रिपेयर करना हमें, ठीक है। बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। एसेट्स, कैश ऑन हैंड एंड द बैलेंस विद द बैंक्स, ये अब देखो उसने क्या किया है, उसने 2013 और 2012 मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब क्वेश्चन में गलती कहाँ पर होती है, हम लोग ईयर नहीं पढ़ते, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं अच्छा ये पहला कॉलम है ये ओपनिंग होगा, दूसरा कॉलम है ये क्लोजिंग होगा। अब इंस्टीट्यूट यहाँ पर डेफिनेटली गेम खेलता है, वो क्या करता है, ओपनिंग पीछे दे देता है, क्लोजिंग आगे कर देता है, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, केयरफुली दिमाग खोल के बैठना एग्जाम में कि उसने क्या दिया यहाँ पर, ठीक है। हम लोगों के जनरल माइंडसेट क्या बना होता है, फटाफट से ये पहला कॉलम है ये ओपनिंग होगा, दूसरा कॉलम है ये क्लोजिंग होगा, जो बिल्कुल ही गलत हो जाता है, फिर तो पूरा के पूरा क्वेश्चन गलत ही होगा, उसमें जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा उसमें, ठीक। चलो, एसेट्स में क्या है, कैश ऑन हैंड एंड बैलेंस विद द बैंक्स, ये फिगर कहां पर आएगी आपकी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएगी या नहीं, ये ओपनिंग कितने थे और क्लोजिंग कितने थे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या है, अगेन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। सन्ड्री डेटर्स क्या है मेरे पास, करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स कहां पर लेते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब क्या हो रहा है, सन्ड्री डेटर्स ओपनिंग थे 1200, क्लोजिंग हो गए 1700, डेटर्स बढ़ गए, तो क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्या करेंगे जल्दी बोलो, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कहां पर, माइनस इन ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो इसको मैं ओए डालता हूं, एक्टिविटीज को हम लोग नाम देते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट आना है, आया नहीं है, रिसीवेबल का मतलब क्या है, इंटरेस्ट आना है अभी, आया नहीं है, ठीक है, इसको मैं यहां पे मार्क करता हूं अभी। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या है, करंट एसेट है, ओपनिंग थी 1950, क्लोजिंग थी 900, तो क्या हो रहा है, करंट एसेट कम हो रहा है, इसका मतलब है इन्वेंट्री सेल की, इन्वेंट्री सेल की तो कैश आया होगा आप लोगों को, तो क्या करेंगे, ऐड कहां पर करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स सेम रही, कोई चेंज नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में क्या, किस चीज का पार्ट होता है ये, दिस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग का पार्ट, सॉरी इन्वेस्टमेंट्स है नॉट फाइनेंसिंग का, इन्वेस्टमेंट का पार्ट, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट, ये भी किसका पार्ट आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। वो कहता है ओपनिंग 1910 थे, उसके बाद 2180 हो गए, 2180 हो गए, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट नेट, तो इसका मतलब है कि पहले कम थे फिर ज़्यादा हो गए, कुछ ना कुछ बाय किया होगा एसेट्स, वो देखते हैं अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने कुछ दिया हमें या नहीं दिया, क्लियर। चलते हैं आगे, सबसे पहले तो एक्टिविटीज़ क्लासीफाई कर रहे हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में फॉल करेगा। टोटल एसेट्स, लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, पहले 1890 थे फिर 150 हो गए, आपके जो क्रेडिटर्स थे वो कम हो गए, कम कब हो गए, अगर आप पे ऑफ करोगे तभी तो कम होंगे, पे किया तो कैश आउटफ्लो है, दैट इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल है हमारे पास, इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, मतलब कुछ बोरो किया है तभी तो इंटरेस्ट पे करेंगे, तो क्या बनेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, इसके ऊपर मार्क कर रहा हूं अभी, पेबल है, ठीक है। ओपनिंग में 100 पेबल था, एट द एंड ऑफ द ईयर 230 हो गया, क्या बीच में कुछ पे किया या इंक्रीज हुआ वो भी देखेंगे। इनकम टैक्स पेबल, अगेन इनकम टैक्स पेबल की हम लोग बात करेंगे कि पहले 1000 था फिर 400 था, मतलब 600 का इनकम टैक्स पे किया, इनकम टैक्स कहां पर आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, इसको भी मार्क करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसकी भी। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। पहले लॉन्ग टर्म डेट था 1040, फिर लॉन्ग टर्म डेट इंक्रीज हो गया 1110, मतलब और लॉन्ग टर्म डेट ले लिया हमने, ठीक है, लेकिन इसकी भी आपके पास एडजस्टमेंट है, मार्क करता हूं मैं इसको, ठीक। टोटल लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल पहले थी 1250 फिर है 1500, मतलब शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई, कैश इनफ्लो हुआ है, हमने और पैसा जनरेट किया, शेयर्स इशू किए,
रिजर्व्स, रिजर्व्स भी इंक्रीज हो गए, ट्रांसफर टू रिजर्व्स इंक्रीज हो गया, क्लियर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिया, उसने सेल दिया, कॉस्ट ऑफ सेल दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया, फिर उसने कहा उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस ले लिया, इंटरेस्ट इनकम ले ली, डिविडेंड इनकम ले ली, फॉरेन एक्सचेंज लॉस ले लिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी ले लिया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या थी हमारे पास, इंश्योरेंस प्रोसीड्स आई थी फ्रॉम द अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, वो एड बैक कर दी हमने, फिर इनकम टैक्स पे किया तो नेट प्रॉफिट आया हमारे पास। ये सारी के सारी क्या है, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली, ठीक है। अब P&L में क्या किया उसने, अब डेप्रिसिएशन उसने लेस किया है, क्या ये डेप्रिसिएशन लेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको क्या करेंगे, एड बैक इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 910 लेस होने चाहिए थे, एक्सपेंसेस थे, एक्चुअल में कैश आउटफ्लो हुआ। इंटरेस्ट एक्सपेंस 400 रुपये का एक्सपेंस, मतलब पे किया, पे किया तो मतलब कहीं ना कहीं से तो बोरो किया था पहले, फिर पे किया, कहीं ना कहीं इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। और इसको प्लस करेंगे किस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम का कब होगी, अगर कुछ इन्वेस्ट किया तभी तो इंटरेस्ट इनकम होगी, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जब भी फॉरेन एक्सचेंज की बात होगी तो आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जाएगा। ये थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ, ये मैंने नहीं टेकअप किया था, ठीक है। ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दे रखा है, आपके पास प्रोसीजर है स्पेशल आइटम्स में, ये रहा फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। वो कहता है कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शंस इन अ फॉरेन करेंसी शुड बी रिकॉर्डेड इन द इंटरप्राइज रिपोर्टिंग करेंसी। मतलब अगर डॉलर में ट्रांजैक्शन की थी तो हमें उसे रुपी में रिकॉर्ड करना है, पहली लाइन का तो ये मीनिंग है। द रिपोर्टिंग शुड बी डन बाय अप्लाइंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहता है जिस दिन कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो उस दिन का एक्सचेंज रेट लगाकर आप लोग अमाउंट कैलकुलेट करोगे। रेट विच अप्रॉक्सीमेट्स द एक्चुअल रेट में ऑल्सो बी यूज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट ऑन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हेल्ड इन द फॉरेन करेंसी शुड बी रिपोर्टेड एज अ सेपरेट पार्ट इन द फॉर्म ऑफ रिकंसिलेशन इन ऑर्डर टू रिकनसाइल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब वो कहता है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उसका इफेक्ट कहां पर लेना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में लेना है, एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक। चलो अब वापिस आते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है जी, चलो अब हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चन पे। अब उसने क्या दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सब कुछ दे दिया, अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं हम लोग। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने कहा एन अमाउंट ऑफ 250 वाज रेज्ड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर कैपिटल। सर वो तो पता ही चल रहा है हमें, पहले शेयर कैपिटल थी 1250, बाद में हो गई 1500, इसका मतलब है 250 की शेयर कैपिटल रेस की है हमने, पैसा रेस किया है, शेयर्स इशू किए हैं, पैसा रेस किया है हम लोगों ने, ठीक। And a further 250 was raised from the long-term borrowings. Long-term borrowings कहाँ है सर? Long-term borrowings कहाँ है? Long-term borrowings कहाँ है? Long-term borrowings कहाँ है? Here are long-term debt. वो कहता है कि 250 raise किया मैंने, तो opening कितना था long-term debt में? Long-term debt में मेरे पास opening था, अब ध्यान से पढ़ना इस एडजस्टमेंट को, मैं एक एक एडजस्टमेंट को डिस्कस करता जाऊंगा और रैप अप करते जाएंगे। ओपनिंग था 1040 का, वो कहता है मैंने 250 और रेज कर लिया, तो टोटल कितना हो गया 0, 9, 2 एंड 1। अब मेरे पास क्लोजिंग कितना है 1110, होना कितना चाहिए था 1290, इसका मतलब है कि 180 का मैंने क्या किया है, रीपेमेंट की है। This is repayment of long-term debt. देखो यहां से हमें लग रहा था कि long-term debt और लिया है हमने, लिया है but साथ में repayment भी की है, ठीक है। तो ये additional information को ध्यान से पढ़ना है। ये repayment कहां पर आएगी, ये repayment आएगी आपकी financing activity में, clear हो गया। चलो उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस वॉज 400 आउट ऑफ विच 170 वॉज पेड ड्यूरिंग द पीरियड एंड 100 रिलेटिंग टू द इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द प्रायर पीरियड वॉज ऑल्सो पेड ड्यूरिंग द पीरियड। वो कहता है इंटरेस्ट एक्सपेंस 400 का था, ये आपको कहां से पता चल रहा है, ये आपको यहां से भी पता चल रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंस 400 का था,
ठीक है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कहाँ दे रखा है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है। वो कहता है 400 का तो इस पीरियड का था, ध्यान से समझना, 400 का तो इस पीरियड का था, 100 आपके पास ओपनिंग था, तो टोटल था 500, तो क्लोजिंग कितना बचा, पेबल क्लोजिंग है 230, इसका मतलब है आपने पे कितना किया ड्यूरिंग द पीरियड, 270, दिस इज द पेड अमाउंट, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस था 400 का, 100 ओपनिंग था, तो टोटल एक्सपेंस था 500 का, ठीक है। उसमें से 230 इज स्टिल पेंडिंग, क्यों, 230 क्लोजिंग बैलेंस हमारे उसमें आ रहा है 230, ठीक है। तो आपने पे कितना किया, 270। अब यहां से इसको क्रॉस वेरीफाई कराता हूं, उसने कहा इंटरेस्ट एक्सपेंस था 400 का, जिसमें से 170 तो पे कर दिया, 170 हो गया। वो कहता है 100 रिलेटिंग टू इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ द प्रायर पीरियड वॉज ऑल्सो पेड, वो कहता है 100 रुपये पिछले साल के थे वो भी इस साल में पे किया, तो टोटल कितना पे किया, 270। यहां से भी 270, इस तरह से करोगे तो भी 270 आपके पास आएगा, क्रॉस वेरीफाई हो गया, दोनों तरह से क्रॉस वेरीफाई हो गया, कोई डाउट। डिविडेंड्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वर 1200, तो डिविडेंड पे किया 1200 का, तो ये डायरेक्टली कहां आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। इंटरेस्ट एक्सपेंस ये कहां आएगा, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लो देख लो साथ साथ एक बार, रीपेमेंट 180 की, ये भी हो गया, इंटरेस्ट पे किया 270 का, ये भी हो गया, डिविडेंड्स किए 250 के, ये भी हो गया, शेयर कैपिटल इशू की, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की 250 की, इसके साथ फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो वैसे ही कंप्लीट हो गई हमारी, क्लियर है। चलो आ जाओ अगली एडजस्टमेंट पे। अब वो कहता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द डिविडेंड्स रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव कब होंगे, सबसे पहली चीज तो अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इंक्लूडेड इन द टैक्स एक्सपेंस ऑफ 300 फॉर द ईयर, वो कहता है इसके ऊपर जब डिविडेंड रिसीव किए हमने तो उसके ऊपर उसने 40 रुपए का TDS काट लिया, ठीक है जी। वो कहता है उसने उसको टैक्स एक्सपेंस में ले लिया 300 रुपए में, जबकि वो उसका पार्ट नहीं बनना चाहिए था, ठीक है। डिविडेंड्स को कम कर दो उतने से, डिविडेंड्स रिसीव्ड कितने हैं, डिविडेंड इनकम कितनी है, 200 की है, तो कहता है 200 में से 40 रुपए काट दो, 160 रुपए ले लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बताओ यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 160 रुपए आ गए, कैसे, 200 माइनस 40 ये क्या है, TDS का, ठीक है। और उधर से जब इनकम टैक्स का एक्सपेंस लोगे तो उसमें से भी आपको 40 रुपीस कम करने पड़ेंगे, ये देखो इनकम टैक्स पेड 900 माइनस 40, ये 40 क्या था, TDS, क्योंकि ये TDS हमें वापस मिलना है सर, ये TDS इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का था और ये TDS हमें वापस मिलना है जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि डिविडेंड रिसीव है, इनकम के ऊपर TDS कटा है, वो हमारे 26AS में आएगा और ये हमारी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे हमें वापस मिल जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो कहता है डिविडेंड्स रिसीव को कम करो 200 माइनस TDS, ना कि उसको इनकम टैक्स एक्सपेंस में कंसिडर करो, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना इस पॉइंट का, क्लियर हो गया। ड्यूरिंग द इंटरप्राइज द ड्यूरिंग द पीरियड द इंटरप्राइज एक्वायर्ड द फिक्स्ड एसेट्स फॉर 350, द पेमेंट वॉज मेड इन कैश, तो 350 के न्यू एसेट्स हैं, तो ये क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, कोई डाउट किसी तरह का। प्लांट विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 80, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60, अब 80 की कॉस्ट थी माइनस 60 डेप्रिसिएशन, वैल्यू कितनी 20, सोल्ड फॉर 20, सेल हो गया 20 का, जब सेल किया तो इसकी जो प्रोसीड्स आई 20, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या इस पे कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ, क्या कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही 20 बनती थी और 20 का ही बेच दिया हमने, ठीक। फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑफ 40 रिप्रेजेंट्स द रिडक्शन इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉरेन करेंसी डेजिग्नेटेड बॉन्ड्स राइजिंग आउट ऑफ द चेंज इन द एक्सचेंज, बेसिकली क्या है, जब भी फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होगा तो उसको कहां से एडजस्ट करना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में से एडजस्ट करना है, क्लियर हो गया। सनरी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड अमाउंट्स रिलेटिंग टू क्रेडिट सेल्स एंड द क्रेडिट परचेज ओनली, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक। चलो कैश ऑन हैंड एंड द बैलेंस, ओपनिंग कितना था, सब कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट्स, बाद में 40 रुपीज का एक्सचेंज रेट था हमारे पास इंक्रीज, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना हो गया 910, क्लियर। उसके बाद इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स, ये कहाँ से आया था आपके पास? ये आया था यहाँ से 3350, यहाँ से आ गया आपके पास 3350, ठीक। इसके बाद एडजस्टमेंट क्या करोगे, कोई टैक्सेशन की है या कोई प्रपोज्ड डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है, नहीं दिया गया कोई, ठीक। डायरेक्ट मेथड आ गया, इनडायरेक्ट मेथड पे आते हैं वापस। एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन बिल्कुल करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज लॉस बिल्कुल करेंगे, एड बैक करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो हमारे डायरेक्टली ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, माइनस कर देंगे। डिविडेंड इनकम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस 400 वो एड बैक करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो इसलिए किया, दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इसलिए किया, दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो इसलिए इसे एड बैक किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पे कर दिया 860, कैसे आया 900, 900 कहां था सर, 900 कहां से आया था हमें, 900 कहां से पता चला, 900 उसने इनकम टैक्स पेड दिया होगा यहां पर, इनकम टैक्स पेबल, ठीक है ना, इनकम टैक्स यहां से आपकी फिगर आएगी 900 की, ओपनिंग कितना था, ठीक है, पे कितना किया, उसके बाद इनकम टैक्स कितना था और क्लोजिंग कितना आपके पास, ठीक है, 1000, ये फिगर कैसे आएगी, 1000 ओपनिंग था और इस साल का 300 बन रहा था 1300, माइनस उस क्लोजिंग बचा 400, तो पे कितना किया 900 सर, ये 300 कहाँ से आया, 300 यहाँ से पता चलेगा आपको, जो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है, तो 1000 प्लस 300 1300 माइनस 400, 400 इज द क्लोजिंग बैलेंस जो अभी भी पे करना है, तो पे कितना किया 900, ठीक है, क्लियर हो गया। आ जाओ इनडायरेक्ट मेथड पे वापस। कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा बिफोर एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक 180 ऐड करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन आएगा कि सर जो एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम थी वो हमने पहले नेट प्रॉफिट में माइनस क्यों नहीं की, क्योंकि उसने क्लियरली दे रखा है कि नेट प्रॉफिट इज बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। अगर आप इसकी जो प्रॉफिट स्टेटमेंट है वो भी देखोगे, यहां पर उसने क्या दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, हमने एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम को माइनस कर ही नहीं रखा या एड बैक कर ही नहीं रखा इस प्रॉफिट में, तो पहले एडजस्ट क्यों करेंगे हम, उसको बाद में ही एडजस्ट करेंगे सिर्फ, ठीक है, उसके बाद तो सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। कोई डाउट, 350 का परचेज किया था एसेट, ठीक हो गया, आप सेल किया था 20 का वो भी ठीक, इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव्ड ओके, फाइनेंसिंग एक्टिविटी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, कोई खास बात थी इस क्वेश्चन में, जो हमने पहले दो तीन लेक्चर्स में डिस्कस किया था सारा कुछ उसी पे बेस्ड था, तीन लेक्चर लगाए थे शायद हमने, तो सारा कुछ उसी पे बेस्ड था, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ थी, सिर्फ एक जो फॉरेन एक्सचेंज लॉस था सिर्फ वो था, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। सिर्फ आपको कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए और कैलकुलेशंस आपकी फास्ट होनी चाहिए। फास्ट कब होगी, फास्ट तभी होगी कैलकुलेशंस अगर आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक। मैंने पहले इसीलिए कहा कि कैश फ्लो स्टेट का जो क्वेश्चन है अगर पेपर में अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसको ध्यान से अटेम्प्ट करना, पहले ही अपनी प्रैक्टिस उस तरह से रखना, दूसरी चीज़ अपना टाइम बचाकर रखना, एंड में इसको लास्ट में सॉल्व करोगे कैश फ्लो का क्वेश्चन और उसके लिए अपना टाइम बचाकर रखोगे, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन को लगेंगे, आप जितनी मर्जी तेज कर लो। अगर आपको फुल फ्लेज इनडायरेक्ट मेथड आता है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो आपको कम से कम है 20 मिनट चाहिए, सारी के सारी एडजस्टमेंट्स को एक बार रीड करना, माइंड में बिठाना, तो आपको उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक हो गया, क्लियर है, कोई डाउट किसी तरह का, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा अब जो कैश फ्लो वाला पार्ट था दैट इज़ फिनिश्ड। बाकी के लेक्चर्स आप लोग कैश फ्लो के मेरे प्लस टू के लेक्चर्स हैं वहाँ से सुन सकते हो, ठीक है। वैसे इसमें भी मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया ऑल दो, तो लेकिन अगर वहाँ से सुनना चाहो वहाँ से भी सुन सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, अब दो से तीन लेक्चर में हम लोग अपना कवर करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक फॉर आवर कोर्स। इसके साथ हमारा FM का न्यू का तो हो चुका ऑलरेडी, IPCC जो ओल्ड कोर्स स्टूडेंट्स हैं उनका भी ख़त्म हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन सेंड मी एन ईमेल एट kshteaching@gmail.com।
or you can connect with me on the Telegram group also. That is KSJ Teaching CA Inter. And for notes and for questions, for notes basically you can go for the website, that is www.ksjteaching.org, right? ठीक है जी, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब स्टार्ट करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.